Hi students, welcome to yesschool.com in the session of economics for grade 10th. आज हम लोग 10th class का economics chapter 1 that is development. We are going to go with this particular chapter 1 development. Students, before we move toward ahead, हम आगे बढ़ने से पहले लेट अस हैव अ व्यू ऑफ द चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट डेवलपमेंट लिटरली मींस डेवलपमेंट का लिटरली मीनिंग है प्रोग्रेस प्रोग्रेस उन्नति प्रगति दैट इज अ प्रोग्रेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाना प्रोग्रेस सो डेवलपमेंट का वर्ड शुड नॉट बी मिसकॉन्सेप्ट बाय द वर्ड ऑफ ग्रोथ बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रोथ का मतलब भी डेवलपमेंट समझ लेते हैं नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स ओके नेशनल ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स सो अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट मीन्स व्हाट एस्पिरेशंस पीपल आर हैविंग फॉर what they are earning, they wish a better standard of living. आज जो जी रहे हैं उससे जो better होगा that is something called as develop. आज मैं I am living with a normal standard of living और अगर मेरा standard of living बढ़ जाता है that is called as development. हम अगर country की बात करें तो आज से 20 साल पहले India was something a developing country and today डेवलपिंग तो आज भी है पर टूडे इट हैज बीन डेवलप इन अ मोर बेटर वे सो अब डेवलपमेंट का रियल मीनिंग है कि प्रोग्रेस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग प्रीवियसली हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं थे रोड्स रेलवेज प्रॉपर नहीं थे और आज की तारीख की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी मच डेवलप दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट मीन्स सो First part of the lesson is development and the topic what development promised different people, different growth. Development is having different goals and different people have different goals. For example, tumhara development ka goal kuch alag hoga. Jo bachcha school nahi jata, uska development ka goal kuch alag hoga. Jo child labor hai, uska development ka goal kuch alag hoga. तो एवरी पीपल आर हैविंग डिफरेंट एक फार्मर का डेवलपमेंट गोल कुछ अलग होगा एक इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट कुछ अलग होगा एक बिजनेसमैन का डेवलपमेंट गोल कुछ अलग होगा एक वर्कर का डेवलपमेंट कुछ गोल अलग होगा तो डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड डिपेंड्स के हाउ ही और शी विश टू सी हिमसेल्फ तो डेवलपमेंट हर एक पर्सन का अलग अलग होता है फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उसके लिए डेवलपमेंट गोल यह है कि ओके आई शुड बी गेटिंग इजीली आई शुड गेट पासिंग मार्क्स और आई शुड गेट इजी बेटर टीचर्स एंड दिस एंड दैट दैट इज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है स्कूल में ही जो लड़का स्पोर्ट्स के लिए उसका यही होना चाहिए कि मैक्सिमम पीरियड शुड बी गिवन फॉर द स्पोर्ट डेवलपमेंट तो उसका डेवलपमेंट गोल अलग है कोई गर्ल चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट कुछ अलग है तो ऑल पीपल आर हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड समटाइम इट हैपन्स other all people like it is given in your two things are very much clear for a development the different people person can have different development goal and what may be development for one may not be the development for the other it may be even destructive for other sahi baat hai okay so we have come upon two things over here first different people have different development goal person different development goal and second development of one may be destructive for other now what this means for other ठीक ये हम मानते हैं कि डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड
development of one can be destructive for the other. What does it mean that development of one can be destructive for other? It means that अगर मेरे लिए जो डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि वो डेवलपमेंट गोल किसी के लिए नुकसानदायक होता है. टेक फॉर इंस्टेंट, टेक फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है. टेक फॉर एन एग्जांपल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ओके. एंड वो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है, कि मोर एंड मोर वाटर शुड बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. टेक एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि मोर एंड मोर वाटर शुड बी यूज फॉर इंडस्ट्रीज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट ही कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी बेटर वे 24 hours राउंड द क्लॉक एंड ही कैन डू मोर प्रोडक्शन. उसका डेवलपमेंट है, 100% ही इज राइट इन हिज डेवलपमेंट. बट एट द सेम टाइम अगर पानी ज्यादा इस्तेमाल कर दिया इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए, तो वॉट अबाउट द फार्मर्स जिनको पानी चाहिए फॉर इरिगेशन या फॉर व्हाट यू कॉल एज फॉर द फील्ड. अगर उस फील्ड के लिए पानी नहीं मिलेगा तो नेचुरली अगर हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पानी इस्तेमाल कर लिया तो फार्मर्स को पानी नहीं मिलेगा. तो इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट गोल हो गया तो फार्मर्स विल बी हैविंग अ डिस्ट्रक्टिव. तो देर आर मेनी इंस्टेंट्स विच कैन प्रूव दैट अगर एक का डेवलपमेंट गोल है तो दूसरे का वो प्रॉब्लमेटिक गोल भी हो सकता है, दूसरे को नुकसानदायक भी हो सकता है. बहुत बार हम भी देखते हैं कि किसी का डेवलपमेंट गोल होता है और हमारे लिए वो नुकसान हो जाता है. नाउ व्हाट पैरामीटर या कौन सा क्राइटेरिया इज यूज फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है? पीपल से कि जिसके पास मनी है इज अ डेवलप, नो डाउट अबाउट इट. इसमें दो राय है ही, 100% ट्रू है कि मनी is an important parameter, is an important attribute, is an important indicator for development. Paisa important hai, but khali paisa important nahi hai. Please make it very clear, paisa important hai, but only money is not important. Money can buy material things, money cannot buy many other things which are needed for a person to get developed. For example, हाउ डू पीपल, वॉट पीपल थिंक के डेवलपमेंट के लिए उनके क्या है, लोगों की सोच क्या है डेवलपमेंट के लिए? कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि मेरा बेटर वेजिस हो जाए, आई शुड गेट बेटर वेजिस, बेटर इनकम, रेगुलर वर्क मिल जाए मुझे, बेटर क्रॉप्स के भाव मिल जाए मुझे. अगर ये सब कुछ मिल जाएगा एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, बेटर क्रॉप्स के भाव मिल गए तो वो डेवलप हो जाएगा, मनी मिल जाएगा तो वो सोच रहा है कि वो डेवलप हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है तो उसको अच्छा वेजिस मिल जाएगा, अच्छा सैलरी मिल जाएगा, तो नेचुरली ही थिंक्स दैट, ही और शी थिंक्स दैट उसको डेवलपमेंट हो जाएगा. रेगुलर वर्क मिलेगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा. 120% दिस आर द पैरामीटर्स फॉर इनकम. इनकम जनरेट करने के लिए ये जरूरी है, पर क्या खाली इनकम देख के हम डेवलप मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें या हमें किसी को भी एक दूर दराज जगह पे समथिंग रिमोट आइसोलेटेड एरिया में लेके गए एंड समवन इज टेलिंग दैट वी विल पे यू ओवर यू स्टे अलोन विदाउट एनी सोसाइटी और विदाउट एनी वन एक्स वाई जेड, अलोन रहो एंड वहां तुम्हें लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान है, मे बी फ्लड आता है, मे बी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, समथिंग लाइक दैट. सो डू यू थिंक, मनी बहुत दे रहे, पैसे बहुत दे रहे, पर वहां तुम्हें अलग अलग रहना, डू यू थिंक दैट इट इज अ गुड फॉर यू? 120% people will know they want security of life, they want equal treatment, they want freedom, they want respect. So apart from money, please, money is one of the criteria. Abhi bhi bol raha hu, money is one of the criteria, but money is not the only criteria. Equal treatment, respect, security, apart from money, development के लिए ये सारी चीजें भी, freedom, ये सारी चीजें भी हमें चाहिए. खाली पैसा है मेरे पास, equal treatment नहीं, I am a rich person, according to me I am a developed person, बहुत rich person, मेरे को लोग बोलते हैं equal treatment नहीं है society में, मुझे
अलग से देखा जाता है देन आई एम नॉट हैविंग रिस्पेक्ट एंड इट इज नॉट अ डेवलपमेंट आई एम नॉट हैविंग अ सिक्योरिटी ऑफ माय लाइफ एंड प्रॉपर्टी आई एम नॉट अ व्हाट यू कॉल एज डेवलप्ड पर्सन. तो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया इज दैट मनी के अलावा ऑल्सो पीपल वॉन्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वॉन्ट फ्रेंडशिप, they want mutual understanding, they want security, they want freedom. All these things are also the criteria of development. हम लोग अगर economic development एक country की बात करें तो एक economic development एक country की बात करें तो वहां हम बात करेंगे तो एक country, for example एक country है जिधर health facility नहीं है, जिधर education facility नहीं है, जिधर infrastructure अच्छा नहीं है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, then that is not development. So growth and development, वापिस रिकॉल कर रहा हूं, growth means income भी बढ़ रही है, development मतलब income भी बढ़ रही है, चलो दोनों point income बढ़ रही है, but growth में standard of living is the same and development में standard of living is increasing, that is called as development. Development means you are increasing mentally, फिजिकली. ग्रोथ में खाली फिजिकली ग्रो हो रहा है, मेंटली नहीं. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारी बढ़ जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है, हमें नई नई तक मिलती है, नए नए सोर्सेज मिलते हैं फ्रॉम वेयर वी कैन अर्न मोर एंड मोर मनी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट इन शॉर्ट इज हैविंग अ मिक्स गोल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड डेवलपमेंट ऑफ वन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर a development of other. So this is the first two part of your lesson. Just I'm halting myself for the day. Again recalling, development in a simple word is what you call as progress, unnati, pragati. Development ke different goals hai, different people have different development goal. Ek ka development can be destructive for the other, or maybe destructive for the other. Money is a very important criteria for development. Money is an important criteria. Jaruri nahi hai ki money is the only criteria. Ek bahut hi important criteria hai development ke liye. And apart from money, equal treatment, respect, security, freedom, these are also the indicators, parameters which are used for development. Development ka mixed goal hai, different people ka different development goal hai. In short, now we are going to see the next part of lesson is national development. What do you mean by national development? Which nation are called a developed nation? Which nation are called a developing nation? Which nation are called as underdevelopment? Which countries are called as poor country? Which countries are called as rich country? And this, for example, agar main baat karu ki agar Punjab and Kerala, take a two instant. Aapke textbook mein bhi hona chahiye, nahi hai to take a two instant. Kerala and Punjab is having somewhat good income. Income dono ki bahut achhi hai. Dono are growth, income point of view se growth hai. But Kerala is having better education system. Kerala is having better health system. While Punjab is not having better health education, health and better education system. In this case, both are growth, but both are not developed. दोनों ग्रोथ हो चुके हैं पर दोनों डेवलप नहीं है. व्हाई? बिकॉज़ केरला इज हैविंग मनी प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन, व्हाइल पंजाब इज हैविंग ओनली मनी, नो हेल्थ, नो एजुकेशन. सो इन सिंपल वर्ड्स, वी वांट अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. इट मींस खाली फिजिकली ग्रो नहीं होना, मेंटली ऑल्सो एंड सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच.